बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। एक शादी समारोह में शराब ठेकेदारों के कारिंदों ने चलाई गोली। नाजायज शराब शादी में पिलाने का गलत इल्जाम लगा, शादी में मचाया हुड़दंग। शादी में ज्यादातर NRI मौजूद थे, पुलिस कर रही है जांच, CCTV कैमरों की कर रही है जांच। मैं अमरप्रीत सिंह। हाँ जी सर, क्या हुआ? मैं जी इतने एक फंक्शन सीगा साढ़े फ्रेंड्स का, अं इनवाइटेड सी इतने, बट 9:30 बजे के करीब इतने 70-80 जाने कृपाना डंडे वैपनस लैके इदा एंटर किए हॉल के अंदर। भी लेडीज़ बच्चों के बहुत डर का माहौल से, आदि ही उन्होंने सारे के उत्ते झड़प दिता, गाला क्ढन डे पे, वो फायरिंग की अंदर आ गए। भी सारे का सारी पार्टी खराब हो गई। जे यो हालात रहनगे तो ये सारा परिवार ही USA तो आया, अज तो बाद कौन NRI आके इतने फंक्शन कर। गलत मैसेज आता, बहुत बड़ा गलत मैसेज आता। इन्नी क फायरिंग हुई अंदर बाहर भी सारे ही डर गए। इतने घट्टो घट 300-400 बंदे की गैदरिंग सी, हुण तुसीं अंदर आप देख लो भी मसा ही 100-150 बंदा रह गया। देख लो वड्डी घटना अमृतसर च वापरी है, लगता कि कोई जख्मी होया? जख्मी का सानू पता नहीं जी, होया कि नहीं, अंदर कोई नहीं होया। उन्होंने दो तीन बंदे फड़े ने अंदर, इन्होंने पैलेस वाले ने भी, पुलिस ने भी फड़े ने बंदे, गड्डियां भी बाहर फड़िया ने। पर भाजी इतों के ठेकेदार जिन्हों को सर्कल का ठेका है, उन्होंने वालों जयंतीपुर पप्पू जयंतीपुर के मुंडिया वालों मंग यो करते हैं भी न्याय मिलना चाहिए परिवार को, जिन्हों का लखा रुपया लाया फंक्शन के उत्ते खराब होया। पैलेस है जिते जी, फेस्ट इन पैलेस है, इतने PS वेरका दे विच आंदा। तो अज सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कंट्रोल रूम राही कि इतने कोई फायरिंग इंसीडेंट होया, सो उहदे संबंध में ही इतने आए हैं। सो हुण इतने आके असी CCTV जिहड़ी फुटेज वगैरह हैगी उह देख रहे हैं, जिहड़े मौके दे लोग प्रेजेंट ने उन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं, उन्हां तों जाणू होण दी कोशिश कर रहे हैं कि इतने की इंसीडेंट होया। सो उहदे नूं देखदे हुए ही जो बनदी कार्रवाई होएगी कराउंगे। पहचान होई है कि कौन जी कर रहे हैं जी? अजे सारी CCTV फुटेज वगैरह देखी जा रही है। तो पता लगा किन्ने परसन सी और किस तरीके दे नाल आए सी? इनिशियल है, हजे असी आए हैं, हौली हौली सारा चीज नूं असी कोक करांगे, तो उस तो बाद जड़ी बनदी कर रही होएगी करांगे। सर उन्होंने कहा जा रहा है कि 10-12 जिहड़े लोग अंदर आए कि जिन्हां नूं फायरिंग कीती गई सी जी। मैं उही कह रहा, प्रिलिमिनरी इनफॉर्मेशन है, असी हुणे जदों तुहानूं ब्रीफ कर रहे हां, मैं CCTV फुटेज हजे थोड़ियां देखियां ने, थोड़ियां होर देखणियां ने, चंगी तरह एक बार वाच लीए, उस तो बाद असी जो बणदा होएगा करांगे। नौजवान नूं काबू कीता गया इन्हां नूं? हांजी, नौजवान नूं काबू कीता गया? ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਭਗਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।